ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। सो कल हम चर्चा कर रहे थे आठ सिद्धियों के विषय में। आठ सिद्धियों के पहले चार सिद्धियां जो है उस सिद्धियों के विषय में चर्चा की है। अनिमा, महिमा, लगिमा और प्राप्ति। आज हम दूसरे चार सिद्धियां जो है बचे हुए उन सिद्धियों के विषय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से क्या कह रहे हैं, कैसे प्राप्त किया जा सकता है ये सिद्धियां। तो यहाँ पे महत्यात्मनि महती आत्मनि यह सूत्रे धारयेन मयि मानसं प्राकाम्यं परमेष्ठ्यां मे विन्दति अव्यक्त जन्मनः। प्रकाम्य सिद्धि के विषय में भगवान चर्चा कर रहे हैं। प्रकाम्य सिद्धि किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो हम सारे सिद्धियां जो है इसके विषय में, ये सिद्धियां का अर्थ क्या है इस विषय में हमने चर्चा की है। अनिमा मतलब एकदम छोटे से छोटा बनना, महिमा मतलब भारी से भारी बनना, लगिमा मतलब एकदम हवा मतलब क्या कहते हैं उसको, लाइटर, जैसे हवा में चलना। तो प्राप्ति मतलब कुछ भी प्राप्त करना, इस तरह से प्रकाम्य सिद्धि जो है इसके विषय में भी हमने चर्चा की है। प्रकाम्य का अर्थ है तो किसी चीज को देखकर उसे स्पर्श किए बिना उसका अनुभव करना, समझ गया ना, प्रकाम्य सिद्धि। उस सुख का अनुभव करना उसको प्राप्त किए बिना। जैसे कोई लस्टी व्यक्ति होता है, कामी होता है, किसी सुंदर स्त्री को देखता है बट उस सुंदर स्त्री का अनुभव नहीं कर सकता। जब तक उसकी इच्छा नहीं है या स्त्री की इच्छा नहीं है। लेकिन प्रकाम्य व्यक्ति जो है उसे बिना स्पर्श किए उस स्त्री का अनुभव कर सकता है। ऐसे कई चीजों का, जैसे उदाहरण के लिए सामने रसगुल्ला रखा है या गुलाब जामुन रखा है, उसे खाए बिना उसका अनुभव करना। अनुभव मतलब एग्जैक्टली जैसे कोई व्यक्ति खाता है, खाने के बाद जो अनुभव मिठास का होता है उसका अनुभव कर लेता है और उससे संतुष्ट। यस, इस तरह से प्रकाम्य सिद्धि के विषय में कहा गया है। यहाँ पे प्रकाम्य सिद्धि एनेबल्स वन टू एक्सपीरियंस एनी एंजॉयबल ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड एंड इन नेक्स्ट। प्रकाम्य सिद्धि जो है सिर्फ इस पृथ्वी पर ही नहीं, कहीं पे भी
किसी से भी अनुभव कर लेगा एग्जैक्टली वैसे जो व्यक्ति उस चीज को स्पर्श कर कर खा कर या उसके संग रह कर अनुभव करता है उसका अनुभव उसे वैसा ही होता है। ये प्रकाम में सिद्धि है। तो यहाँ क्या कहा गया, महति आत्मनि, महत्तत्व जिसके हम चर्चा की है कल भी, महत्तत्व, लेकिन वो महत्तत्व जो यहां कहा गया है वो महत्तत्व कर्म के चक्र के माध्यम से, कर्म के चक्र मतलब ऐसे महत्तत्व हमने कल चर्चा की विश्व रूप या विराट रूप, ये पूरा व्याप्त किया है महत्तत्व को भगवान, और वो सुपर सोल है, परमात्मा है, महत्तत्व का परमात्मा जो है, और वही कर्म के चक्र को जो चला रहा है, महत्तत्व से उत्पन्न हुआ कर्म चक्र, तो ऐसे परमात्मा का ध्यान कर कर हम इसका अनुभव कर सकते हैं, या मतलब जो व्यक्ति उसका अनुभव कर सकता है। तो यहां कहा दैट मैनिफेस्ट द व्हील ऑफ कर्मास, वो महत्तत्व जिसके माध्यम से कर्म का चक्र उत्पन्न होता है, और ऐसे परमात्मा का ध्यान करने से हम इस कर्म मतलब उसका बिना स्पर्श किए उस कर्म को अनुभव कर सकते हैं, या उसका आनंद या उसका सुख ले सकते हैं। तो इसे प्रकाम्य सिद्धि कहा गया। तो उसे जरूरी नहीं कि वो एक जगह बैठकर भी प्रत्येक भौतिक जगत में या महत्तत्व में जितने भी एक्शंस चल रहे हैं, जितने भी कर्म, वो यहां पे बैठकर वो सारे कर्मों का अनुभव कर सकता है। एग्जैक्टली वैसे जो व्यक्ति कर्मी व्यक्ति कर्म कर कर जैसा अनुभव कर रहा है, वैसा सुख का अनुभव वो बिना किए, जैसे उदाहरण के लिए हम पैसे कमाने के लिए ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर पैसा लेके आते हैं और उस पैसे का सुख का अनुभव करते हैं, तो यहाँ वो बैठे बैठे उस धन को प्राप्त कर सकता है और उसका सुख भी अनुभव कर सकता है। तो यहां पे कहा गया है कि तो यहां अभी कॉम्बिनेशंस है, समझ गए ना, पहले क्या था, सिर्फ महत्तत्व या अणु के अंदर जो परमात्मा या पूरे यूनिवर्सल का परमात्मा, उसके माध्यम से उनके ऊपर ध्यान करने से प्राप्त होने वाले जो महिमा, लगिमा या अनिमा, बट अभी कॉम्बिनेशंस, वही महत्तत्व के माध्यम से जो प्राप्त हुआ कर्म, तो कर्म का जो चक्र है कहां से आता है, महत्तत्व से आता है। अब समझ रहे, तो उस वैसे परमात्मा पर ध्यान करना करने से ये प्रकाम में सिद्धि प्राप्त होती है। अभी यहां पे विष्णु त्री आदिश्वरे चित्तम धारयेत काल विग्रहे स ईशित्वम अवाप्नोति क्षेत्रज्ञ क्षेत्र चदनाम चोदना। तो यहां पे वन हु मेडिटेट्स ऑन लॉर्ड विष्णु, अभी पहली बार यहाँ पे विष्णु का नाम आ रहा है। अभी तक अणु के अंदर जो परमात्मा है, महत्तत्व के परमात्मा है, और ये परमात्मा काल के रूप में जो प्रकट हुए हैं,
या ये महत्त्व जो कर्म के रूप में आ रहे हैं ऐसा था। अभी यहाँ पे पहली बार विष्णु का नाम लिया गया, विष्णु त्रि आदिश्वरे चित्तम धारयेत काल विग्रहे, देयर इज अ कॉम्बिनेशन नाउ। उस परमात्मा पर ध्यान करना या उस विष्णु पर ध्यान करना हु इज द कंट्रोलर ऑफ टाइम एंड ऑल्सो द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। आप समझते होंगे ये कितना कंफ्यूजन है ना, क्योंकि भगवान प्रत्येक अणु अणु में और हर जगह उपस्थित है और इस तरह से भी उपस्थित है, इट इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑल्सो, काल का और तीन गुणों का कॉम्बिनेशन। ऐसे परमात्मा के ऊपर ध्यान करने से ईशित्व मतलब ईशिता सिद्धि प्राप्त होती है। तो ईशिता सिद्धि क्या है? तो मैन्युपुलेट कर जो हम करते, मैन्युपुलेटिंग यहां पे क्लियरली कहा है, लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी। ईशिता सिद्धि एनेबल्स वन टू मैन्युपुलेट द सब्जेक्ट पोटेंसीज ऑफ माया। ऑफ कोर्स इल्यूजरी माया मतलब इल्यूजरी एनर्जी, जो है वो दिखता नहीं है, जो नहीं है उसे देखना, इसे माया कहा गया, दैट वी नो दैट। समझ में, हम आत्मा है लेकिन हम कभी आत्मा अपने आप को समझते नहीं, शरीर समझते हैं, जो शरीर नहीं है उसी को हम समझते हैं मैं हूं ऐसा, बट आत्मा दिखता नहीं है, बट उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते कुछ लोग, शरीर को ही मानते, दैट इज माया। तो यहां कहा गया है तो ये सिद्धि से मैन्युपुलेशन मतलब इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं दो दिन पहले बता रहा था कभी कभी जादूगर जो है, इट इज एन इल्यूजन, कभी कभी जादूगर उस चीज को यहां पे ला के रख देता है और होता नहीं है, बट इतना मैन्युपुलेट हो जाता है कि वो चीज वहां से ताजमहल को यहाँ पे ला के रख देता है, आपके सामने दिखा देगा। समझिए, यस। तो इसे कहा गया ईशित्व सिद्धि। तो ये ईशित्व सिद्धि यहां पे कहा गया है, द सुप्रीम लॉर्ड्स इल्यूजरी पोटेंसी कंसिस्ट ऑफ थ्री मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर एंड इट वर्क्स फुली अंडर द सुपरविजन ऑफ टाइम। इट वर्क्स फुल्ली अंडर द सुपरविजन ऑफ टाइम का अर्थ है ये इल्यूजरी एनर्जी कुछ समय के लिए मैनिपुलेट करता है ना, तो कुछ समय के लिए वहां पे रहता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहीं से कुछ लाते हैं और यहाँ पे उसको स्थापित करते हैं, यस, बैठे बैठे लोगों को दिखाते हैं ये है। जैसे मैं ये भी बता रहा था कि कपड़े में से कबूतर को निकालना है ना, ऐसे करके कबूतर आ गया, बट इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी, वो टाइम के काल के अंडर में चलता है, तो वो कुछ समय के लिए वहां पे, फिर वो कबूतर गायब हो जाएगा या वट एवर जो भी है, आप समझ रहे, इट इज इन दैट, सो विच हैज ऑल्सो इमेनेटेड फ्रॉम हिम। तो ये सारे शक्तियां भगवान की यहाँ पे ना, नारायणे तुरी तुरी याख्य भगवत शब्द शब्दिते मनोमयी आदधा योगी मत धर्म वशितम इयात। तो ये ईशिता के बाद वशिता ये भी एक सिद्धि है, वश में करना, किसी को वश में करना। तो ये कैसे प्राप्त होता है? मेडिटेट्स ऑन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड नारायण। नारायण जिसके पास सिक्स
ऑपुलेंस है, षड गुण ऐश्वर्य नारायण जो है उनके ऊपर ध्यान करने से ये सिद्धि प्राप्त होती है। अभी आगे है, निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयान् विशुद्धम विशदम मनः परमानंदम आपनोति यत्र कामो अवश्यते। तो यह काम वशीयता सिद्धि के विषय में चर्चा हो रही है। तो यह कैसे प्राप्त होगा? ब्रह्मन पर, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, am I right? तो ब्रह्मन पर ध्यान कर इस सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। तो ब्रह्मन निर्गुण है, निर्गुण का अर्थ है ये तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए, मतलब भौतिक जगत के बाहर ब्रह्मन है। आप समझे, ब्रह्म मतलब ज्योत, प्रकाश, दैट इज कृष्णाज एनर्जी ब्रह्मन। तो नाउ सी, अभी यहां पे एक चीज समझने जैसी है, भगवान अपने स्वधाम में अपने पूर्ण ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, लेकिन भौतिक जगत में पार्शियल प्रकट करते हैं। भले वो पूर्ण ऐश्वर्य है लेकिन प्रकट जो है पार्शियल करते हैं, जिसको जो चाहिए उतना ही, जिसके कारण वो समझ पाए उतना ही प्रकट करते हैं, लेकिन फुल मैनिफेस्ट जो होते हैं वो स्वधाम में होते हैं, अपने धाम में। वैकुंठ धाम कहो, गोलोक धाम कहो, गोलोक धाम में, वृंदावन धाम में कृष्ण जो अपने सारे ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, उतना वैकुंठ धाम में नहीं करते हैं। समझ गए ना? नारायण के रूप में या विष्णु के रूप में कहो या नरसिंह रूप में कहो या वॉट एवर, पूर्ण ऐश्वर्य को प्रकट नहीं करते, और उससे भी कम ऐश्वर्य को भगवान भौतिक जगत में प्रकट करते हैं। जैसे अगर हम देखा जाए उदाहरण के लिए, पिता अपने छोटे बच्चे के साथ या 2 साल या 1 साल के बच्चे के साथ पिताजी खेल रहे हैं उनके साथ, तो पिताजी कभी कभी बच्चा जैसा बोलता है तोतला, वैसे पिताजी बोलते हैं तोतला, है ना, तोतले बोलते हैं टूटे फूटे शब्दों में, क्योंकि बच्चा वही भाषा को समझता है। तो पिताजी के पास भले ही इज वेरी नाइस स्पीकर, बहुत सुंदर लेक्चर्स देता है, प्रचार करता है या वॉट एवर जो भी प्रेजेंटेशन करता है, बट अपने बच्चे के सामने जब जाता है, छोटे 1 साल 1.5 साल बच्चे के सामने जब जाता है, तो सच अ नाइस स्पीकर वहां पे टूटा टूटे शब्द बोलता है, तोतला बोलता है, क्योंकि बच्चे को वही पसंद है और वही समझ में आता है। सो ही विल नॉट मैनिफेस्ट हिज गुड स्पीच इन फ्रंट ऑफ दैट चाइल्ड। छोटे बच्चे के सामने उसकी भाषा जो है, मधुर भाषा कहो, ग्रामर कहो, व्याकरण कहो, वो बच्चे के सामने प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि वो बच्चे को समझ में नहीं आता। बट इसका अर्थ यह नहीं कि ये पिताजी तोतला ही बोलता है, नहीं, ही इज फुल्ली, बट मैनिफेस्ट क्या कर रहा है अपने बच्चे के सामने, भाषा तोतला भाषा मैनिफेस्ट कर रहा है। इन द सेम वे वी आर नॉट एलिजिबल टू अंडरस्टैंड, वो ऐश्वर्य को हम समझ नहीं पाते, इसलिए भगवान उस ऐश्वर्य को पार्शियल मैनिफेस्ट करते हैं। ओ तुझे ईशिता चाहिए, ईशिता सिद्धि चाहिए, ओके ईशिता सिद्धि, ओ तुझे काम वशयिता, ओ तुझे प्राप्ति, ओ महिमा, ओके इस तरह से भगवान इस भौतिक जगत में मैनिफेस्ट करते हैं। तो कभी एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैं इस्कॉन में ज्वाइन हुआ था, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मैं क्या समझता था, तो इस्कॉन में ज्वाइन हो जाने के बाद जब मैं इस्कॉन के कुछ चित्र देख रहा था, जो हमारे फॉरेन डिवोटीज, प्रभुपाद ने जिन प्रभुपाद के जो शिष्य फॉरेन डिवोटीज पेंटिंग किए और प्रभुपाद ने उनको गाइड किए पेंटिंग्स करने के लिए, तो कभी कभी प्रभुपाद कहते थे नहीं ये विष्णु जो है
विष्णु के इस हाथ में चक्र नहीं होना चाहिए, इस हाथ में होना चाहिए और इस हाथ में गदा होना चाहिए। तो एक पेंटिंग मैंने ऐसा देखा था, क्योंकि हम नॉर्मली क्या देखते हैं, राइट हैंड के अंदर चक्र देखते हैं, लेफ्ट हैंड में शंख देखते हैं और नीचे राइट हैंड में हम कमल देखते हैं और लेफ्ट हैंड में गदा देखते हैं, है कि नहीं। चार चार हाथ होते हैं भगवान के, नारायण के, विष्णु के। तो मैंने एक बार देखा था, इस हाथ में गदा और इस हाथ में चक्र और नीचे लेफ्ट हैंड में शंख और यहाँ पे पद्म। अरे ये तो पेंटिंग गलत है। बट वो गलत नहीं है, ऐसे कई नारायण है, समझ गया ना। तो ये जो शंख चक्र गदा पद्म जो है ना, अलग अलग हाथों में रहते हैं। वो अलग अलग हाथों में होने के कारण उससे पहचाना जाता है कि ये नारायण का कार्य फंक्शन क्या है, ये नारायण का कार्य फंक्शन क्या है, ये क्या फंक्शन करता है, इस तरह से। आप समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? हरे कृष्णा। क्लियर है कि नहीं? हाँ। तो आप, हम एक ही चित्र से वाकियाब है। अरे राइट हैंड में चक्र होना चाहिए, इस हाथ में शंख होना चाहिए ऊपर वाले, और नीचे दो हाथ राइट हैंड में पद्म होना चाहिए, कमल होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड में गदा होना चाहिए। हम इसी नारायण से मतलब हम समझते हैं कि हाँ ये नारायण, बाकी सब गलत चित्र है, ऐसा जैसा मुझे लगा था। वैसे किसी को भी लग सकता है, क्योंकि हम सिर्फ वही नारायण को, ऐसे ही नारायण को या ऐसे ही विष्णु को जानते हैं। बट देर आर मिलियंस, ऐसे कई नारायण, कई विभूतियां हैं जिनके अलग अलग कार्य है। तो कभी किसी नारायण के हाथ में यहाँ गदा हो सकता है, यहाँ चक्र हो सकता है, कभी कभी यहाँ पे कमल होगा, यहाँ पे शंख होगा, और नीचे दो हाथों में चक्र और गदा होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे महत्व के परमात्मा, महत्त्व के परमात्मा, अणु के परमात्मा, नारायण, विष्णु, ब्रह्म, ये सब की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। तो ऐसे ऐसे विष्णु पर स्मरण करने से, ऐसे नारायण पर, ऐसे परमात्मा पर स्मरण करने से, या हिरण्य गर्भ पर, या गर्भोदयशय विष्णु, या महत्वत महाविष्णु, ऐसे ध्यान करने से। बट जितने भी इस भौतिक जगत में प्रकट हुए हुए विष्णु कहो या नारायण कहो या विश्व रूप कहो, दे आर ऑल टेम्पररी। ये नित्य नहीं है, क्योंकि जैसे ही भौतिक जगत नष्ट हो जाता है, सारे फॉर्म्स वापस महाविष्णु में चले जाते हैं, क्योंकि वो वहां से प्रकट हुए हैं, महाविष्णु में चले जाते हैं, कारणोदकशाय विष्णु में चले जाते हैं। सो भौतिक जगत में भले, जैसे उदाहरण के लिए अभी देखो, हम क्योंकि हम भौतिक चीजों की इच्छा कर रहे हैं ना, काम वशीयता क्यों चाहिए हमें, इशिता क्यों चाहिए, वशिता क्यों चाहिए, अनिमा, लगीमा, महिमा क्यों चाहिए हमें, क्योंकि उसका मतलब उसका उपभोग करना है हम। इसीलिए हम भौतिक जगत में ही रह जाते हैं इसकी प्राप्ति कर कर भर। जैसे उदाहरण के लिए ध्रुव महाराज जो है, देखो वो 6 महीने तक ऐसी तपस्या किए कोई बालक इतिहास में नहीं किया और ना ही कर सकता है। पहले तो वो अपने मतलब वहां जाने के बाद पत्ते पर जिए, पत्ते, सूखे पत्ते खाकर जिए, या सूखे फल, जो गिरे हुए फल जो है उसको खाकर जिए 1 महीना तक। उसके बाद उन्होंने उसको त्याग दिया और सिर्फ पानी पर रहे, उसके बाद पानी को भी त्याग दिया, सिर्फ हवा पर रहे, और कुछ महीने के बाद तो हवा को भी उन्होंने त्याग दिया, हवा भी, श्वास लेना भी बंद कर दिया।
लेकिन वो किस प्राप्ति के लिए जा रहे थे कि मुझे ऐसा राज्य चाहिए जो मेरे परदादा को भी, मतलब मेरे परदादा से भी ऊपर हो। उनके परदादा ब्रह्मा जी है, ध्रुव महाराज के परदादा जो है वो ब्रह्मा जी है, और वो ब्रह्मा जी से भी बड़े राज्य की अपेक्षा की, मतलब ऐसी ऐसा मुझे राज्य चाहिए, इसलिए उन्होंने ये सब तपस्या किया। ये अलग बात है कि नारायण प्रकट होने के बाद जब उनको देखा, अरे मैं तो कांच टुकड़े के पीछे लगा था लेकिन मुझे तो यहाँ पे हीरा मिल गया, फिर भी भगवान किसके लिए तुमने तपस्या किया वो देते हैं। तो उन्होंने ऐसा राज्य दिया जो ब्रह्मा भी नहीं प्राप्त किए, उसका है ध्रुव तारा, वो तारा या वो ग्रह वैकुंठ के जैसा है, जहां पे स्वयं नारायण रहते हैं ऐसे वैकुंठ के जैसा वो ग्रह है या वो जगह है, ध्रुव तारा जिसको हम कहते हैं। बट वो है भी भौतिक जगत में ही है वैकुंठ, लेकिन भौतिक जगत में ही है, अब समझ गया ना। तो इस तरह से भगवान हमें वैकुंठ जगत देते भी है, लेकिन भौतिक इच्छा होने के कारण वो भौतिक जगत में ही रहता है, समझ रहे। तो इस तरह से यहाँ पे ये आठ सिद्धियां जो है अष्टांग योग पद्धति के माध्यम से प्राप्त किए गए आठ सिद्धियां भगवान इस तरह से वर्णन कर रहे हैं कि ये सारे सिद्धियां इस तरह से प्राप्त होती है। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बट ये सिद्धियां जो है आखिर भगवान कह रहे दे आर टेम्पररी। सबसे बड़ी सिद्धि भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। श्रील प्रभुपाद की जय।